जय महाराज श्री को सादर प्रणाम। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, जय गुरुदेव। महाराज जी, अभी आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें एक शब्द का उल्लेख था, हिरण्यगर्भ। मेरे मन में यह प्रश्न पहले से था कि मैं आपसे हिरण्यगर्भ के विषय में कुछ पूछूं, तो आपने खुद ही उसका उल्लेख कर दिया। ये भी बहुत मिराकुलस है कि किस प्रकार जो चीज़ें मन में आती हैं उनका कहीं कहीं उल्लेख आप पहले से ही कर देते हैं। जैसे ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी के विषय में भी हुआ था। खैर, जो प्रश्न है वह हिरण्यगर्भ के विषय में ही है। तो हिरण्यगर्भ के बारे में बहुत सारे उल्लेख आते हैं, जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो पूरा एक सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त। और आप जो ऋग्वेद के ऊपर रोज आपका अपलोड होता है वह सुनने का अवसर मिलता रहता है, लेकिन अभी 10वां मंडल बहुत दूर है, तो मैं अभी से ही पूछना चाहूँगा हिरण्यगर्भ के विषय में। तो उपनिषदों में कई जगह जो विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, यह जो उल्लेख हुआ है, और हिरण्यगर्भ सूक्त जो है, जो कहता है हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत, ये पूरा बड़ा सुंदर सूक्त है। तो हिरण्यगर्भ आखिर है क्या? जैसे महाभारत में भी कहा गया है कि योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ और ईश्वर सिनोनिमस टर्म्स तो नहीं लगती हैं, ये पर्यायवाची तो नहीं लगते हैं, क्योंकि जो मांडुक्य उपनिषद है वह हिरण्यगर्भ और ईश्वर को अलग अलग कहता है। हिरण्यगर्भ के विषय में प्रकाश डालने की कृपा करें। योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ किस प्रकार से है? धन्यवाद। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के बारे में संयम तुमने पूछा है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर विषय है हिरण्यगर्भ। परमात्मा परम ब्रह्म का वो स्वरूप जो कि इस समस्त सृष्टि का स्रोत है, जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है, और हिरण्यगर्भ वो स्थान है जहां असंख्य जीव उस हिरण्यगर्भ में शयन करते रहते हैं, सुप्त अवस्था में विचरण करते रहते हैं, चेतन अचेतन के बीच में उनकी स्थिति बनी रहती है। इस सृष्टि में जो प्रथम जीव है, प्रथम जीवात्मा को भी हिरण्य कहा गया है, ब्रह्मा भी उसको कहा गया है, और ऋग्वेद में 10वें मंडल में 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। ज्ञान की शांत अवस्था हिरण्य गर्भ कही जाती है। ब्रह्म की चार अवस्थाएं कही गई हैं, अव्यक्त निराकार रूप, वो परमात्मा जब अपने में निराकार भाव से स्थित रहता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होता। दूसरी अवस्था आती है प्राज्ञ प्रज्ञात्मा, ज्ञान की शुद्ध और शांत अवस्था, जिसको हमारे ऋषियों ने नारायण परब्रह्म कहा है, सीर सागर में यानी सुनहरे प्रकाश में, शेष तत्व पर, शेष सृष्टि के पश्चात जो शेष बचता है विद्युत स्वरूप, उसमें शयन करने वाला पुरुष परब्रह्म। पुरुष यानी जो समस्त भुवन में
अंतरिक्ष कहो, उसमें जो व्यापक हुआ शयन करता है, शांत रूप को धारण किए रहता है, उसको नारायण परब्रह्म कहा गया है, जो सभी जीवात्माओं का स्वामी है, सभी जीवों को अपने में धारण किए हुए रहता है। और इसी हिरण्यगर्भ को शिव कहा गया है यजुर्वेद में, स्वंभू कहा गया है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च। अपने मन के आकाश में जो शांत स्वरूप में स्थित रहता है, शंकर शमन करने वाला, शांत करने वाला, मयस्कराय च शांत और शुद्ध और सुख स्वरूप आनंद रूप में जो निमग्न रहता है, पर ब्रह्म का ऐसा स्वरूप, नमः शिवाय च शिवतराय च, जो अति शुभ और दूसरों का शुभ करने वाला, मंगल करने वाला है, उस एक ही सत्ता को अलग अलग नाम से हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है। दार्शनिक तत्व इस अवस्था से उभरते हैं, साधक जब शुद्ध और शांत अपने स्वरूप में स्थित होता है तो ब्रह्म की आभा उसमें प्रकट होने लगती है। तो ब्रह्म का पहला स्वरूप कहा गया है अव्यक्त, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, निराकार है। दूसरा स्वरूप कहा गया है प्राज्ञ, शांत रूप में वो शयन कर रहा है, अपने में से ही उभर रहा है। हिरण्य स्वर्ण जैसे प्रकाश को उसने अपने से प्रकट किया है। तीसरी अवस्था है तेजस, उस प्रकाश के समुद्र में एक तेज उत्पन्न होता है, प्रथम जीव उत्पन्न होता है और उसको ब्रह्मा कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ये जीव उत्पन्न होते हैं, इस ब्रह्म से असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और सृष्टि के अंत तक ये यात्रा करते रहते हैं, और जब सृष्टि का लय होता है तभी ये भी इस हिरण्यगर्भ में जाके विलीन हो जाते हैं। तो तीसरी अवस्था तेजस अवस्था है और इसका लघु स्वरूप माता का गर्भ है। विष्णु की नाभि से जैसे कमलनाल उत्पन्न होती है, एक रूपक अलंकार हमारे ऋषियों ने कहा है, और उस पे कमल पे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, ऐसे माता के गर्भ से शिशु जुड़ा रहता है और जब वो पैदा होता है तो वो नाल भी उधर माता की नाभि में और उधर बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, और बाहर आके उसको इधर बंद लगाया, इधर बंद लगाया और बीच में से काट देते हैं, यानी माता का ही एक हिस्सा, एक अंश बच्चे के रूप में संसार में आ जाता है। ऐसे ही परब्रह्म वो तत्व तो एक ही है, लेकिन जब वो क्रियात्मक रूप में आता है तो विश्व का स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए हमारे ऋषि इस जगत को परमात्मा का शरीर कहते हैं, जीव जगत जगदीश। और इस ब्रह्म की चौथी अवस्था है वैश्वानर, चेतन अवस्था, जागृत अवस्था। जैसे जागते हुए हम लोग
इस संसार को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, वो परम ब्रह्म तो एक ही है जिसने समस्त आत्माओं को, जगत को अपने में से उत्पन्न किया। उस स्रोत को हिरण्यगर्भ हमारे ऋषियों ने कहा गया है। और इससे तीन प्रकार की आत्माएं उत्पन्न होती हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और अपने स्वभाव के अनुसार ही वे जगत में आकर के उसी तरह की उपासना करती हैं। सतोगुणी आत्माएं सीधे उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं, रजोगुणी आत्माएं देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और तमोगुणी आत्माएं भूत, प्रेत, पिशाच, इनकी उपासना करके उन जैसे ही हो जाते हैं। हमारे यहां उपनिषदों में एक बहुत अच्छा दृष्टांत मिलता है, सत्यकाम जाबाला। जाबाला उसकी माता थी सत्यकाम की, और अपने पुत्र सत्यकाम को जाबाला आचार्य के पास ले गई शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, गौतम ऋषि के पास, कि इस मेरे बच्चे को आप स्वीकार करें, अपने आचार्य कुलम में इसको ग्रहण करें। आचार्य ने पूछा, इस बच्चे का गोत्र क्या है, इसके पिता का गोत्र क्या है? अब उस माता की सत्य निष्ठा देखिए। उसने कहा, आचार्य, मैंने बहुत से पुरुषों की सेवा की है और बहुत से पुरुषों के संपर्क में मैं रही हूं। मैं ठीक से नहीं कह सकती कि इसके पिता का गोत्र क्या है। उस स्त्री के सत्य वाक्यों को सुनकर गौतम ऋषि अचरज में रह गए। कहा, जिसकी माता सत्यवादिनी है उसके पुत्र का गोत्र अवश्य ही सत्य है। ये बच्चा ब्राह्मण है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और उन्होंने शिक्षा देनी प्रारंभ की और कहा, पुत्र सत्यकाम, ये मेरे पास कुछ पशु हैं, इनको तुम वनों में ले जाओ और जब इनकी संख्या 1,000 हो जाए, 1,000 इनकी संख्या हो जाए, तब तुम वापस इनको मेरे पास ले आना। गुरु की आज्ञा मानकर सत्यकाम वनों में जानवरों को ले गए, पशुओं को ले गए, और 12 वर्ष उनको वहां व्यतीत हो गए। अब कहते तो ये हैं कि उन पशुओं में एक वृषभ था, वृषभ माने बैल, लेकिन वेद में वृषभ को क्या कहते हैं? वो व्यक्ति, वो साधक, वो ऋषि जो उस परम ब्रह्म के विषय में जानता है, वेद के रहस्य को जो जानता है और उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है, धर्म का आचरण करता है और उस ज्ञान के प्रवचनों से मनुष्य समाज में अमृत, सुख और ईश्वरीय आनंद की वर्षा करता है, ऐसे ऋषि को हमारे यहां वृषभ कहा गया है। तो संभव है कोई ऐसे ऋषि होंगे वृषभ नाम के, जैसे महादेव शिव के शिष्य हुए हैं नंदी, उनको भी वृषभ कहा जाता है। बहुत से लोग उनको बैल समझते हैं, बैल नहीं, वृषभ, धर्म आनंद की वर्षा करने वाले।
तो जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए, उस वृषभ ने कहा, उस ऋषि ने, पुत्र सत्यकाम, तुम्हारे पशुओं की संख्या अब 1,000 हो गई है, अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया है और तुम गुरु के निकट ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने आए थे, किंतु वो ज्ञान तुमको नहीं हुआ। ब्रह्म के एक पद का मैं तुमको उपदेश देता हूं, बाकी 3 आचार्य और तुमको 3 पदों का उपदेश करेंगे। पुत्र, मेरे ज्ञान वचन को सुनो, वो परम ब्रह्म अव्यक्त है, इस दिखने वाले संसार में भी वो दिखाई नहीं देता, निराकार होने से सब में समाया भी है, किंतु फिर भी वो अव्यक्त है। अब तुम इन पशुओं को लेकर के जाओ, मार्ग में जब रात्रि का समय आया और उसने अग्नि जलाई, तो कहते हैं अग्नि देवता, अग्नि ऋषि वहां प्रकट हुए, आसपास कहीं उनका आश्रम होगा, या सत्यकाम अग्नि ऋषि के आश्रम में ही पशुओं को लेकर रुका होगा, और रात्रि में उन अग्नि ऋषि ने, अग्नि देवता ने उस सत्यकाम को ब्रह्म के दूसरे पद का उपदेश किया। पुत्र, तुम उस परम ब्रह्म के ज्ञान को जानने के योग्य हो, ब्रह्म के दूसरे पद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, वो प्रज्ञात्मक है, ज्ञान के द्वारा उसको जाना जाता है, तत्व ज्ञान के द्वारा उसको जाना जाता है, अपनी ही आत्मा में शांत रूप होने से उस अमृत ब्रह्म को ऋषि गण जानते हैं, इसलिए तुम अपनी आत्मा में शांति मान होकर के उस परम ब्रह्म की ज्योति को अपने में अनुभव करो। ये ब्रह्म का दूसरा पद मैंने तुमको कहा है। सुबह सत्यकाम अपने पशुओं को लेके आगे चला, किसी नदी के किनारे रुका, वहां हंस रूपी कोई ऋषि होंगे, उन्होंने 3रे पद का उपदेश किया। पुत्र, वो परम ब्रह्म तेजस स्वरूप है, तेजोमय है, सूर्य में तुम उस तेज को देख रहे हो, नक्षत्रों में उसी का प्रकाश है, तुम्हारी आत्मा में, मेरी आत्मा में, पशु पक्षियों में, इन वृक्षों में, वनस्पति में, पृथ्वी में, जड़ चेतन, इन सब में जो तेज स्वरूप है, प्रकाश रूप है, वो परम ब्रह्म है, उसको तुम अपने ही आत्मा में जानो। स एव ज्योतिषाम ज्योतिष, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। सूर्य कहां से उत्पन्न हुआ है? उसी विद्युत स्वरूप ज्योतिर्पुंज से। सूर्य का इस ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य उदय हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परम ईश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, निश्चय ही वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्मा हम न संशय, इस शरीर में निवास करने वाला जो मैं कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, वो मैं ही ये परम ब्रह्म है। इस मेरे उपदेश को तुम जान लो। 3रे पद का ज्ञान लेकर के वो फिर आगे गया और 4थे पद का उपदेश गौतम ऋषि ने उसको किया। उन्होंने देखा इस युवक का मुखमंडल ब्रह्म तेज से दमक रहा है। कहा, पुत्र, मैंने तो तुमको ब्रह्म का उपदेश नहीं किया, क्या तुमको किसी ने ब्रह्म का उपदेश किया है? सत्यकाम ने कहा, हां गुरुदेव, 3 देवताओं ने, 3 ऋषियों ने मुझको
ब्रह्म के तीन पद उपदेश किए हैं और कहा है चौथा पद ब्रह्म का तुम्हारे गुरु तुमको बताएंगे। गौतम ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा पुत्र ये जो जागृत अवस्था है चेतन अवस्था है इस विश्व की जीव की शरीर की इसको तुम परम ब्रह्म समझो और जब ये सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है स्वप्न अवस्था में पहुंच जाता है तब इसका दूसरा स्वरूप प्रकट होता है। किंतु ये जो चेतन तत्व है वो जो परम ब्रह्म है वो कभी सोता नहीं वो हमेशा जागृत रहता है। जिन वस्तुओं को हम सुप्त मानते हैं जड़ मानते हैं निश्चेष्ट मानते हैं उनमें भी वो तत्व चमकता रहता है बोलता रहता है समय आने पर मनुष्य की तरह ही वो हमसे बात करता है ऐसा उन्होंने उपदेश किया। और इसी विषय में एक अपना अनुभव अपना एक दृष्टांत मुझे याद आया। उन दिनों देहरादून में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था रात्रि का समय था मैं सितार बजा रहा था आसपास दीवार के इधर उधर कुछ चित्र लगे थे कुछ छोटी पत्थर की मूर्ति थी मैंने सोचा क्या इनमें भी चेतना है क्या ये भी बोल सकते हैं होना तो चाहिए क्योंकि कण कण में परम सत्ता है। मैंने उन सब की तरफ देख के कहा मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग चेतन हैं या अचेतन हैं क्या आप भी मनुष्यों की तरह बोल सकते हैं यदि ऐसा है तो आप रात्रि में 2 बजे मुझको आराधना के लिए जगा देना यदि आपकी आवाज मुझे आई तो मैं समझूंगा हाँ संसार में जड़ वस्तु कोई है ही नहीं सब में चैतन्य है। और ऐसा सोच के मैं सो गया और जब 2 बजे रात के चारों तरफ से आवाजें आने लगी उठो जागो आराधना का समय हो गया है और ये स्वप्न नहीं था वास्तविकता थी। मैं उठ गया आंखें खुल गईं और सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं मेरी कल्पना तो नहीं है किंतु नहीं मैं लेटा रहा और आंखें खोल के देखता रहा धीरे से वो बोल रहे हैं मनुष्य की तरह ही वो जीवंत हैं। और जब मैं उठ के बैठ गया वो मौन हो गए मैंने उन सबको प्रणाम किया। इस सूक्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि हैं हिरण्यगर्भ प्रजापति इसके देवता हैं को माने कौन प्रश्नवाचक ये सारे मंत्र हैं इसमें 10 मंत्र हैं कौन है वो परम ब्रह्म कौन है वो परम पुरुष कौन है वो परमात्मा जिसकी तरफ मेरा जीव खींचा चला जाता है छंद है त्रष्टुप स्वर है धैवत ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम सृष्टि से पहले वो कौन था वो जिसने सुनहरे गर्भ से इस संसार की रचना की पंचभूतों की रचना की सब जीवों को पैदा किया उत्पन्न करने वाला वो इन जीवों का एकमात्र स्वामी पति वो कौन था पृथ्वी अंतरिक्ष ब्रह्मांड जिसके स्वर्ण आभा में लीन थे कौन था वो ईश्वर कौन है वो परम पुरुष जिसको मैं आहुति दूं जिसकी मैं आराधना करूं या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसम यस्य देवाः यस्य छाया
अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अपनी आत्मा ही जिसने हमको दे डाली, अपना स्वरूप जिसने हमें प्रदान कर दिया, बल जिसने हमें दिया, संपूर्ण विश्व और देव सत्ताएं जिसकी उपासना करती हैं, सब देवगण जिसके आधीन हैं, जिसकी छत्र छाया अमृत है और मृत्यु भी उसी का स्वरूप है, उससे दूर दूर जाना मृत्यु और उसके निकट आना अमृत है। कौन है वो पुरुष ब्रह्म, वो मेरा परम प्रीतम, जिसको मैं आहुति प्रदान करूं, जिसका मैं यजन करूं। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विरेम। जिसने पशुओं को, मनुष्यों को, देवताओं को उत्पन्न किया, जो चेतन अचेतन का ईश्वर है, निमिष मात्र में पलक झपकते ही जो सारे जगत को उत्पन्न कर देता है, कौन है वो कौन है जो मेरे हृदय में तो निवास कर ही रहा है, लेकिन उस तरफ भी ये कौन है जिसका मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करूं, यजन करूं, अपना प्रेम मैं किसको अर्पण कर रहा हूं, वो कौन है, प्रश्न है। यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहुह, यस्य माह प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेमः। हिम आच्छादित पर्वत, समुद्र जिसका कीर्तन कर रहे हैं, जिसकी महिमा गा रहे हैं, ये अनंत फैली हुई दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं, नदियों सहित समुद्र जिसका गान गा रहा है, ओह कौन है वो कौन है जिसको मैं अपना प्रेम अर्पित कर रहा हूं। येन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः इस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसने प्रचंड द्योलोक पृथ्वीलोक को दृढ़ किया है, मोक्ष और स्वर्ग को जिसने स्थापित किया है, द्योलोक में अनेक लोकों को विमान की तरह उसने बनाया है, जैसे पक्षी उड़ रहे हों, ये ग्रह नक्षत्र क्या अंतरिक्ष में घूम रहे मानो पक्षी और विमान उड़ रहे हों। ओह ये पुरुष ब्रह्म ज्योति पुरुष कौन है जिसको अपने हृदय का प्रेम मैं अर्पित करूं। यम क्रंदसी अवसा तस्त भाने अभ्यह श्वेताम वंसा रेजमाने यत्रादि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक दूसरे को पुकारते हुए ये नक्षत्र उस परम ब्रह्म की तरफ आकर्षित हुए देख रहे हैं, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा उसी को महिमावंत बताते हुए चमक रहे हैं। रात दिन कौन है वो जो चमकता है सब में और मेरी आत्मा में, कौन है वो कौन है जिसको मैं आहुति के साथ यजन करूं, जिसकी आराधना करूं। आपोह यद बृहतीर विश्वमा यन गर्भम दधाना जनयंतिर अग्निम ततो देवानाम समर्वत तासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। सुनहरा बादल सा वो आदि ब्रह्म जगत को स्वम में धारण किए हुए, देवों को जो देता है देवत्व, वो एक देवों का भी देव, वो परम देव महादेव, कौन है वो कौन है
जिसको मैं हविष्य अन्न आदि से आहुति देकर अपनी श्रद्धा को अर्पित करूं। यश्चिदापो महिना पर्यपश्य दक्षम दधाना जन यंतीर यज्ञम यो देवश्वरि देवे एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। सृष्टि रूप यज्ञ कर रहा है जो, सतो रजो तमो की संगति कर रहा है जो, एक वो एक जैसा देखता है जो सबको, कौन है वो कौन है मुझको आकर्षित कर रहा है जो, जिसको मेरा हृदय नमन करता है, जिसकी तरफ खींचता चला जाता है, कौन है वो कौन है। मानो हिंसी जनिता यह पृथ्विया यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यश्च पश्चंद्र बृहतीर जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। नष्ट होने से हमें बचावे सत्य धर्म वो आदि पुरुष, आनंद देने वाले चंद्र सूर्य अंतरिक्ष का जो स्वामी है, आनंद रूप वो कौन है मैं जिसकी आराधना करूं। प्रजापते न त्व देतान यन्य विश्वा जातानि परिताप भूव यत कामास्ते जुहु मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रईणाम। आनंद मैं देव तेरे सिवा कोई नहीं जो इस अचरज में जगत को रच सके। आकाश में तू शब्द, बुद्धिमानों में तू बुद्धि, तेजस्वियों में तपस्वियों में तू तेज है। किसी के गुलाम हम कभी ना हों, जीवन रहे हमारा पवित्र, पर ये तो बता कौन है तू कौन है, मेरी आत्मा को जो खींचता अपनी तरफ, कौन है तू कौन है, हे परम ब्रह्म, हे ज्योति पुरुष, हे आदि पुरुष, तू कौन है कौन है। उस हिरण्य पुरुष को मैंने अपने जीवन में चार बार देखा, चार बार मेरा उससे साक्षात्कार हुआ। प्रथम जब मृत्यु के देवता यम मुझको हिरण्य गर्भ से परे अनंत प्रकाश के आकाश में ले गए, तब वहां आदि पुरुष परमात्मा के रूप में मैंने उसको देखा और उसके ज्ञान वचनों को मैंने सुना। दूसरी बार प्रकाश के सागर में जहां वो लेटा हुआ था, उसने मुझे अपने निकट अपनी बगल में बैठाया और मुझे लेटने के लिए कहा और एक प्रकार से अपनी ज्योति में मुझको आकर्षित किया, कुछ समय के लिए लीन किया। दूसरा वो समय था। तीसरी बार जब हम लोग पुरी में हम लोग गए थे, जगन्नाथपुरी, वहां नील माधव के रूप में उस हिरण्य पुरुष को, सुनहरे पुरुष को मैंने देखा और उसकी बातों को मैंने सुना। चौथी बार कई बरस पहले दोपहर के बाद छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ था, पक्षियों के लिए मैं पानी रख रहा था, सूर्य दोपहर के बाद ढल रहा था, मेरी दृष्टि सूर्य की तरफ गई तो
तो मैंने क्या देखा, वहां से कुछ विशिष्ट किरणें, किरणों का समूह हो पृथ्वी की तरफ उतर रहा है, और थोड़ी ही देर में मैंने एक स्वर्ण जैसे सुनहरे प्रकाश से चमचमाते हुए पुरुष को अपने निकट खड़े हुए देखा। उस समय मद के कारण, उन्माद के कारण मेरी सुध बुध जाती रही। मैंने देखा वो हिरण्य पुरुष सूर्य से उतर के मेरे निकट आया और बिल्कुल मेरे निकट था। उसने मुझको अपनी भुजाओं में ले लिया और उसके बाद मेरी सुध बुध जाती रही। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में उस हिरण्य पुरुष के लिए एक मंत्र आता है, सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, मुझ सत्य धर्मा के लिए हे पूजन तू इस आवरण को हटा दे जिससे मैं ठीक प्रकार से तुझको देख सकूं। और संयम, तुमने पूछा है योग का प्रथम प्रवक्ता ये हिरण्य पुरुष ही है, इसने ही ब्रह्मा को, अन्य ऋषियों को, देवगणों को पुरुष और प्रकृति जिसको हम कहें उसको उपदेश किया। महाकाल का आवेश जिस समय कृष्ण महाराज को था उस समय उन्होंने ये वचन कहा था, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकशे अब्रवीत। मैंने इस ज्ञान योग को सबसे पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। जो याज्ञवल्क ऋषि हुए हैं उन्होंने भी ये कहा है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः, वो हिरण्य पुरुष ही योग ज्ञान का वक्ता है। उन्हीं ज्ञान धाराओं से पतंजलि ने इस ज्ञान को ग्रहण किया। अग्नि ऋषि जो हुए हैं उन्होंने ऋग्वेद की रचना करनी प्रारंभ की। वायु देवता ने यजुर्वेद की रचना आरंभ की। आदित्य ने सामवेद की रचना आरंभ की और अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना आरंभ की। सांख्य योग के वक्ता कपिल परम ऋषि स उच्यते वो कहते हैं, हिरण्यगर्भ योगस्थ वक्ता नान्य पुरातनः, वो हिरण्यगर्भ पुरुष ही योग और ईश्वरीय रहस्य का प्रथम वक्ता है। मस्तक में हमारे जो ज्योति है वो ज्योति भी हिरण्यगर्भ है। वेद जिसकी उपासना करता है उसी हिरण्यगर्भ को उसने विभु कहा है। वस्तुतः ब्रह्म की जो बुद्धि है, बुद्धि का जो प्रकाश है, और उस हिरण्यगर्भ से जो संवाद है उसकी उपासना वेद करता है, वेद के ऋषि करते हैं, वैदिक योगी करते हैं। हमारे भीतर मस्तक में उसका प्रकाश झिलमिलाता है। छांदोग्य उपनिषद में यथा या एषु अंतरादित्य, सूर्य के अंदर वो हिरण्यमय स्वर्णमय पुरुष है, हिरण्यमय पुरुषा दृशति
एक स्वर्ण पुरुष उस सूर्यमंडल में दिखाई पड़ता है, हिरण्यश मुश्रह, उसकी सोने की दाढ़ी है, हिरण्यकेशः, स्वर्ण में उसके केश हैं, आ प्रणात खात सर्व एषा स्वर्णः, उसके नाखून भी सोने के हैं और वह पूर्ण रूप से स्वर्णमय है। जो समस्त ब्रह्मांड को, आकाश गंगा को अपने गर्भ में धारण कर रहा है, उसी की स्वर्ण छाया आदित्य लोक में और हमारे मस्तक में दिखाई पड़ती है। उस पुरुष को मैंने देखा है, वेद के ऋषि भी कहते हैं, उस ज्योतिर्मय पुरुष को मैंने देखा है, उसके ज्योतिरथ को अंतरिक्ष से उतरते हुए मैंने देखा है, सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, मुझ सत्य धर्मा के लिए, हे ज्योति पुरुष, उस आवरण को तू हटा दे, उस आवरण को तू हटा दे। तो ये जो हिरण्यमय पुरुष है, उसी को ज्योति पुरुष कहा है, स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है, स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है, स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म है, तद ब्रह्मा हम न संशयः, वो परब्रह्म मैं ही हूं, सो अहम, तत् त्वम् असि, तुम वो ही हो। इस बात को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, अपने ही शरीर में, मस्तक में जो ज्योति सिंहासन है, उस सिंहासन पर विराजमान उस ज्योति पुरुष, हिरण्य पुरुष की योगी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो सतपुरुषों का मित्र है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।